हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल डिजिटल एज सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बताएंगे विंडो एसी सर्विस के बारे में जो आप देखेंगे। तो इससे पहले आपको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पे जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा विंडो एसी जिसकी हम सर्विस करके आपको दिखाएंगे। हमारे साथ है साकिब जो इसको सर्विस करके दिखाएंगे। तो ये सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, पेज को रिमूव करेंगे जो ऊपर जाके ऊपर का प्लेट खुल जाए। तो हमारे साकिब जी करके आपको दिखाएंगे। ये रुक जा, अब हटा। रिमूव करो, चलो रिमूव करो, उसको हटाओ पीछे वाले प्लेट को। बीच वाले प्लेट, इसके बाद जब ये हमारे ऊपर की प्लेटें खुल जाएंगी फिर हम क्या करेंगे, कूलिंग कॉइल को रिमूव करेंगे, बाहर हटाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, हम इस चीज़ को सर्विस करने से पहले हमने कूलिंग कॉइल तो बाहर हटा दी, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, पहले जो है इसके पीसीबी कार्ड को हम बाहर निकाल देंगे ताकि इसमें कोई पानी वानी ना जाए। इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है और शॉर्ट सर्किट होने की आशंका रहती है, इसके लिए हम इस इलेक्ट्रिकल पार्ट को बाहर निकाल के रख देते हैं ताकि हम बिल्कुल एसी को पूरे पानी डाल के हम धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे ये साकिब बाहर कर रहे हैं पीसीबी कार्ड को, जो करके दिखाएंगे आपको। इसके अंदर जो जेक होते हैं जो आपको दिखा रहे हैं वो जेक को बाहर कर देंगे, पीसीबी कार्ड बाहर जाने देंगे। रुक जा, दिखा दे, हो गया। चलो पीसीबी कार्ड यहाँ से हटा, अभी मैंने रोक रखी है वीडियो, यहाँ पे रख, उसमें उसमें लगा, फिर वापस निकाल के उधर साइड में इसे बस बस हल्का सा हल्का सा लगाने से बस 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 बस। हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो कूलिंग कॉइल की ब्लोअर है उसे हम बाहर निकालेंगे, जो सागर निकाल के दिखाएंगे। इसका ऊपर का ये लॉक होता है, जो इस लॉक को निकालने के बाद हमारी कूलिंग कॉइल बाहर आएगी, कूलिंग कॉइल की ब्लोअर, सॉरी। चलो उस निकालो उसको प्लास, उसके उसके लॉक को हम प्लास से पुश करेंगे, ये लॉक होता है, उसके बाद ये हमारा ब्लोअर आसानी से निकल जाएगा। आगे कूलिंग कॉइल की बिल्कुल पार्ट्स हमारे सारे के सारे अलग हो चुके हैं। अब हमारा बारी है कंडेंसर कॉइल बाहर निकालने की। अब हम इसको कंडेंसर कॉइल को बाहर निकालेंगे, इसके पेज को खोल के, जो अभी हमारे साकिब जी बाहर निकाल रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके कंडेंसर फैन को भी बाहर निकालेंगे। इसमें एक देखिए ये लॉक होता है, इस लॉक को पुश करके हम फिर बाहर निकालते हैं इस जब यह फैन निकलता है। ये देखिए ये लॉक है, ये फैन आपको बाहर निकल गया। अभी इसमें हम इसको क्लीनिंग करेंगे, जो कैसे करते हैं वो आपको बताएंगे। पहले इसके अंदर बुरुस मारेंगे कूलिंग कॉइल और कंडेंसर कॉइल दोनों को साइड में, अब ये बाकी पार्ट्स को हम वॉश करके लाएंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ताकि भी इस कंडेंसर कॉइल को साफ कर रहे हैं, उसके बाद कूलिंग कॉइल को भी करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे जो भी पार्ट्स थे विंडो एसी का वो धुल के रेडी हो चुका है, और ये देख लीजिए आप। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर वापस से इसे असेंबल करेंगे। अभी देख लीजिए विंडो एसी भी आपका सर्विस हो चुका है, ये काफ़ी पुराना एसी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम इसको वापस से असेंबल कर रहे हैं। ये आउटडोर का जो है हमारे कंडेंसर कॉइल का फैन है जो वो लगा रहे हैं साकिब। इसका वापस से फिर लॉक लगाएंगे ये,
रुक जा साकिब अब इसका वापिस से इसका लॉक लगा रहे हैं। तो साकी बाब वापिस से फिर इसका कूलिंग कॉइल लगा रहे हैं, कूलिंग कॉइल का जो है सॉरी ब्लोअर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं साकिब अब वापिस से इसका जो है पीसीबी कार्ड लगाने जा रहे हैं। लगाओ साकिब पहला हम इसके जेक जोड़ जोड़ेंगे, इसका जेक जो होता है दोनों जेक वापिस से लगाएंगे। ये जेक इसके अंदर पुश किया जाएगा, दूसरा वाला जेक आप देख सकते हैं इन्होंने जेक लगा दिया। अब वापिस से इसको इसकी जगह पे रखेंगे। कवर लगा दो इसकी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी एसी सर्विस होकर रेडी है।